आप ये बताओ, आप एक पोटेंशियल लाइफ पार्टनर में क्या क्वालिटीज ढूंढते हो? आपको स्ट्रेटजी और ये वाले चार पांच एमबीए वाले वर्ड मत बोलना प्लीज, कॉम्पिटेंस वगैरह मत बोलना थोड़ा. व्हाट यू वैल्यू इन अ पार्टनर ह्यूमन बीइंग? देखिए पार्टनरशिप कई तरीके होती है, मैं जनरली पार्टनर के बारे में बताता हूं. रोमांटिक पार्टनर यार तुम, मतलब रितेश वेड्स एक्सएक्सएक्स, वो एक्सएक्सएक्स की क्या क्वालिटीज होंगी? देखिए मैडम भी आ गई हैं, बट देखिए मुझे लगता है ऐसे के लिए सब एक्सटेंड हो जाता है सर, आप बोलो. दो तीन चीजें देखिए, सबसे पहला तो हमेशा एक जरूरत होती है कि everyone should become a better version of themselves. Nobody is excellent, right? Everybody has a opportunity to get a better version of themselves. तो मुझे लगता है कि आपके पास में एक strong character होना चाहिए जो आपको constantly challenge करें और आप उन्हें challenge कर पाएं, जिससे कि you constantly improve together. Because such that is life, right? In life, you every month you feel better if you become a, and that's what I feel. You become a better version of yourself. तो मुझे लगता है एक वो है. दूसरा मुझे लगता है alignment and appreciation. And again, I'm sharing from a business partner perspective. Alignment and appreciation. कि समझ होनी चाहिए कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है आपके पार्टनर से और आपके पार्टनर की आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है. और तीसरा है एबिलिटी टू ड्रीम, यू नो, वांटिंग टू सी द स्टार्स एंड से दैट देयर इज सो मच टू डू इन लाइफ. ये तीन चीज़ें मुझे लगता है कि अच्छे बिजनेस पार्टनर में होना चाहिए.